एक्चुअली नमस्कार सभी को दिल से। तो मेरे खुद के पेज में आप सभी के प्यार और अभी सबका प्रार्थना के द्वारा थोड़ा बीमार ठीक हुआ है और मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं अपने दिल के बात और शायद कुछ कुछ आपका जो कमेंट्स है उसको भी जो आप कमेंट्स करते हैं उसको भी थोड़ा आज शायद लोग बोलता है कि पढ़ने नहीं जानते थे, हम ट्राई करेगा पढ़ने के लिए, उसके बाद आपका जो कमेंट्स उसको रिप्लाई देगा और कुछ मेरे बात के दिल के बात आपके सामने रखना चाहता हूँ। और ये स्पेशल हमारा ये APS जो पेपर लीकेज के बारे में है। तो आज सब ने कहा कि आपने सरकार को फिर क्या बोला था पता नहीं, सब लोग बोलते कि फेसबुक में देख रहा है कि व्हाट्सएप में देख रहे कि सरकार को फिर आपने चुनौती दे दी। मैंने किसी को चुनौती नहीं देता है कि जो हमारा हक मिलना चाहिए उसे ही मैंने मांगा और जो हक हमको सरकार ने वादा किया था उसको ही मैंने कहा। देखिए एक समय एक बात है, यहाँ पर लोग अपना सच्चाई के लिए और अपना जो इंसाफ के लिए लड़ रहा है, लेकिन हमारा यहाँ कुछ लोग है जो उसी के ऊपर में हंस रहा है, मजाक कर रहा है, वीडियो बना रहा है। और मैं अब सबको एक बात बताना ये चाहता हूँ कि हम लोग बिल्कुल हार नहीं माना है और आने वाला समय तक कभी हार नहीं मानेगा। देखिए बहुत सारे लोग ने कहा कि आप सरकार के वहाँ ऑफिस घुसा था, पैसा ले लिया। बहुत हमने देखा है कि कोई तो 50 लाख रुपया मेरा उपहार में चेक, इतना बड़ा वाला चेक पकड़ा के लाकर और वगैरह वगैरह सबको बोला है कि वो पैसा का है ये पैसा। देखो अगर पैसा का था तो हम आज हाला नहीं करता, सब पब्लिक ये समझना चाहिए, अगर पैसा का था तो हम आज हाला नहीं करता, चुपचाप बहना था। और हम हमेशा अपना वो ये ट्राई करता है और मेरा टीम को भी हम ये हमेशा बोलते रहता है, चाहे कुछ भी बिक्री करो, अपना चमड़ा अपने सब कुछ छद्दी भी बिक्री करो, लेकिन अपने इज्जत को बिक्री मत करो। सबसे पहला बात हम हमेशा बोलते हैं अपने इज्जत को बिक्री मत करो। तो आज आप लोग का सामने में पब्लिक हम लोग आया, सरकार को हम लोग का बात रखा और मानना नहीं मानना वो सरकार का ऊपर है। हम लोग अपना जितना है हम लोग देखेगा कि हम लोग कितना ताकत लगा सकते हैं। और मैं जितना भी पब्लिक है और जितना मेरा दोस्त है, मेरा फ्रेंड्स है, आप सबको मेरा एक रिक्वेस्ट है कि हमें हम एक हिम्मत हमेशा होना है, हमें हिम्मत होना है। देखो लाइफ में एक ना एक बार तो मरना है या एक ना एक बार तो जीना है, लेकिन हम कभी भी हम डर के नहीं जीना चाहिए। ये मेरा हमेशा हमेशा हम यही बोलते हैं कि हम डर के अच्छा जीना अच्छा तो हम मर जाना ही अच्छा है। तो हमेशा ये मेरा साथ रहा, अगर इस बार हम हार जाएगा, लेकिन हारेगा ना हारे हम मालूम नहीं है, लेकिन हम दिल से लड़ने के लिए ट्राई करेगा। ये हम आप सबको क्लियरली बताऊं कि हम हार जाएगा लेकिन हम सीना थन के हारने के लिए ट्राई करेगा और हम सीना थन के हारेगा। और अगर हम इस बार हार गया या हम सिलेंडर मांग लिया या हम किसी से झुक लिया, तो आने वाला समय तक हम हमेशा झुक के रहना पड़ेगा और आने वाला समय फ्यूचर तक हम लोग को तकलीफ होगा, ये है। और बहुत सारे लोग देखिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 10 साल से हम नौकरी के हैं, अभी हम कुछ नहीं कर पाएगा, हम ना इंटरव्यू दे पाएगा। देखो 10 साल में आप नौकरी किया, आप तो ऑफिस में बैठा लिखा पढ़ा लिख रहे, लेकिन आप कभी नहीं सोचा कि 10 साल में इंटरव्यू देने के बाद नहीं मिल के जो ऑटो चला रहे, टेम्पो चला रहे, जो ठेकर चला रहे, जो खेती करा, उसने आपने तो उसका बारे तो नहीं सोचा है। इतना सेल्फिश है कि सिर्फ अपना ही बारे में सिर्फ सोचा है, वो सबसे दुनिया का खराब है। और मैं आपको बता दूं कि आप 10 साल में नौकरी किया है, देखिए 10 साल में आप जेई बना, ए बना और 10 साल में सीओ बना, वो कभी भी अपना बस्ती को भी नहीं देखा, अपना सोसाइटी को नहीं देखा है। वो हमेशा बोलता है कि हम बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम ईमानदार थे कि नहीं। देखो ईमानदार कितने वाले, आज आप लोग इस बात को आप लोग अच्छा सुनिए। सबसे पहला बात क्या है कि जो नौकरी किया है और नौकरी मिला है वो क्या क्या है, सबसे पहला बात जमीन किया है, गाड़ी खरीदा है, घर बनाया है, अपना एंजॉय के लिए पैसा कमाए, वो ना सोसाइटी के लिए कभी डेवलपमेंट के लिए नहीं सोचे हम एक्सेप्ट करता है। या मेरा बस्ती में भी हो सकता है ऐसा नौकरी मिलने का बाद,
दिन भर दारू पी के घूमने वाला भी हो सकता है, दिन भर कभी सोसाइटी को तो कभी मालूम नहीं था, 10 साल सोसाइटी को कभी पूछा ही नहीं, 10 साल अपना फैमिली को कभी पूछा ही नहीं, 10 साल किसी को प्यार से बात किया ही नहीं, वही आदमी अभी अपना तकलीफ हुआ है बोल के सोसाइटी सोसाइटी चिल्ला रहे हैं। ये बहुत सोचने का बात है। आप देखिए यहाँ पर बहुत JEE 10 साल में बना है, बहुत सा ऑफिसर बना है, आप सोच के देखिए वो समाज के लिए क्या किया है, कुछ नहीं किया है, समाज के लिए कुछ नहीं किया, बस वो बस अपना को एंजॉय किया है, फॉर्चूनर खरीदा, स्कॉर्पियो खरीदा, और ये क्या बोलते हैं वो जमीन खरीदा, घर बनाए हैं। आप एक बार सोचिए एक ऑफिसर का पेमेंट कितना होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लाख रुपया होता है, या उससे ज़्यादा तो होता ही नहीं, या तो 70,000 50,000। आप देखिए 50,000 70,000 में आप सोच के देखिए इतना पैसा आने वाला जो 10 साल के अंदर में 5-6 तोला घर बनाता है, जमीन खरीदता है, और बंगला बनाता है, और गाड़ी खरीदता है, और एक्स्ट्रा में लड़की लाइन मार के ऑफिसर लोग घूमता है, और औरत लोग जो नौकरी मिलने वाला आदमी दारू पी पी के घूमता है। देखो एक सोचने का बात है, ये एक सोचने का बात है, ये नौकरी पब्लिक के लिए नहीं कर रहा है, ये आपका समाज के लिए आपका फैमिली के लिए नौकरी नहीं कर रहा है, ये नौकरी कर रहा है तो अपना सेल्फ के लिए अपने आप के लिए कर रहा है। ऐसा ऑफिसर को आज हम नहीं समझाएगा तो हम कब समझाएगा, आप लोग बोलिए। हमेशा हम सुनते आए बचपन से सुनते ऑफिसर लोग खराब है, ऑफिसर लोग बोलने का तामीज नहीं है, ऑफिसर लोग करने का तामीज नहीं है। आज हम यही बोल रहे कि आज ऑफिसर बन के रखा है लेकिन बोलने का तामीज नहीं है, करने का तामीज नहीं है, और ये लोग का हर चीज दंग जो तामीज नहीं है बोले तो कोई और लोग बोलते हैं कि ये तुम गलत बात बोल रहे हो। अरे आप सोच के देखिए, आप लोग एक बार शांति सोच के देखिए, जो ऑफिसर अभी आपका सामने में गिरा रहा है, आपका हाथ पांव पकड़ रहा है, प्लीज हम लोग को सपोर्ट करो, हम लोग को सपोर्ट करो बोलने वाला, वो आपको कभी पूछा भी नहीं, आप ध्यान से सोच के देखो, आपको कभी जानता भी नहीं, आपको पूछा भी नहीं, भले हो वो आपका फैमिली का हो लेकिन सिर्फ वो अपना माँ बाप अपना बीवी को प्यार किया, सिर्फ अपना पति को प्यार किया, आपको कभी पूछा ही नहीं। जब आपका कॉलेज समय था आपको कभी पैसा मदद नहीं किया, जब आपका तकलीफ समय था आपको कभी मदद नहीं, जब आपका बाइक में पेट्रोल नहीं था आपको कभी मदद नहीं, जबकि स्कूल का एडमिशन फी कभी नहीं दिए, वो आदमी अभी आपके लिए बोल रहे कि हमको मदद करो, अभी हमको मदद करो, प्लीज़ हमको मदद करो, अभी मेरा नौकरी जाने वाले, ये तो सोसाइटी का शर्म का बात है, इज्जत का बात है, मेरा नौकरी जाने से क्या होगा, आप लोग का भी शर्म का बात है, मेरा सोसाइटी का। उस दिन इतना साल में आप लोग सोसाइटी के लिए क्यों नहीं किया, देखिए हम बता रहे, मेरा सपा में अभी 2014 से लेकर अभी तक नहीं ये बोलने से 100 ऑफिसर होता होगा, 100 ऑफिसर में भी एक भी ऐसा ऑफिसर नहीं मिला है कि वो सपा तो उनको डेवलप करेगा, बिल्कुल नहीं मिले। छोटा छोटा ऑफिसर बना है, न्योकुम पूजा में दारू पी के घूमता है, क्रिसमस में चीफ गेस्ट बन के घूमता है, और दारू पी के घूमते एंजॉय करते, हर फंक्शन हर प्रोग्राम में वो होना ही है, ये हम आप लोगों को बता रहे हैं, हर प्रोग्राम हर फंक्शन में होना ही है, वो कभी ये अपना रिस्पॉन्सिबल नहीं सोचा कि हम फंक्शन में हमको एंजॉय करने, डांस करने के लिए एंजॉय करने के लिए, दारू पीने के लिए, हमको इसके लिए नहीं चुना है, हमको समाज के काम करना है, समाज के लिए हम करना है बोल के ये उसको चुना गया, इसलिए उसको ऑफिसर मिला, इसलिए ऑफिसर बोलता है ऐसा। तो आप अभी सोच के देखिए, वो अभी कभी समाज के लिए काम कुछ किया ही नहीं, अभी समय में बोल के बैठता है कि नहीं हम लोग को बचाओ बचाओ बचाओ, जैसे भी हम लोग को बचा के ये क्या बोलते हैं, हम लोग को मदद करना है, अभी नहीं तो हम लोग का काम नहीं, हम लोग को नौकरी जाएगा तो हम लोग काम, ये शर्म भी फीलिंग करना चाहिए। हम स्पेशल बोल रहे हैं, देखिए बाकी को छोड़ो, मेरा बमिंग एरिया में इतना ऑफिसर मिला है, इतना ऑफिसर मिला है, क्या समाज में काम आया है, कुछ भी समाज में काम नहीं आया है। आप सोच के देखिए, बमिंग एरिया में हम आपको बता रहे हैं, बाकी को छोड़िए, बमिंग एरिया में नहीं है बोल रहे, मोर देन 30-40 ऑफिसर मिला है 2014 से लेकर अभी तक। एक ऐसा ऑफिसर बताओ कि हम बामिंग के लिए डेवलपमेंट किया है, बामिंग का रास्ता इतना खराब है, बामिंग में लाइट नहीं है, बामिंग हर चीज प्रॉब्लम है, तो कभी वो बामिंग का आदमी जो ऑफिसर जो बोला है कि हम ऑफिसर बने हम कुछ करें, कभी नहीं बोला। चेंगताजो में नहीं है बोलने से 50-60 आदमी ऑफिसर बने, कभी चेंगताजो में ऐसा हुआ है क्या, करुणकमे में ऐसा बने कभी, करुणकमे में आते डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ है, बिल्कुल नहीं हुआ है। या जियो में इतना ऑफिसर बने, जियो में इतना डेवलपमेंट है क्या, और ये पहीगन में आलू कितना ऑफिसर में डेवलप नहीं है कि, आप लोग सोचिए, आप अभी अपना जमीन जगह को देखो और उसका परिवार को देखो और उसका घर को देखो, उसका घर कितना अच्छा से टाइल से बिछाया हुआ है, उसका घर कितना अच्छा सोफा लगाया हुआ है, उसका गाड़ी कितना रहने का दंग, उसका एक्स्ट्रा 2-3 बोनती होता है, उसके लिए डिपार्टमेंट का जो लेबर लोग होता है वो वहाँ कराया होता है, ये सोचने का बाहर है। इसलिए आप सबको हम बताएगा,
अभी आप लोग की ऑफिसर को आप लोग बचाएगा बचाएगा बोला। हम भी पता है जूनियर ऑफिसर लोग बहुत है, लेकिन जो ऑफिसर जो पता है जो गरीब आदमी बोले जो गरीब आदमी हो के हम बहुत सारे लोग को देखा हम फास्ट में, तो हम लोग एक साथ दोस्त कर लेता है। अब आप लोग भी महसूस भी कर रहा होगा यार थोड़ा तुम बोलने वाला सही है ना गलत है महसूस। फास्ट में तो कोई जो अभी ऑफिसर है आप लोग दोस्त था जिगरी दोस्त था एक साथ खाना था ना पीता था एक साथ घूमता था, लेकिन वो जैसे ही ऑफिसर मिले उसका बोलने का ढंग अलग हो गया, करने का ढंग अलग हो गया, कपड़ा पहनने का ढंग अलग हो गया। जो आपको अंडर दबा था कभी दिन मिलने से गाड़ी से हाथ में हिला के जाता है वो ऑफिसर लोग अपना आपको बोलता है कि हम गरीब आदमी है। गरीब आदमी जो गरीब आदमी को प्यार करना है, दोस्ती यारी को प्यार करना है, जो पुराना पुराना दोस्त को प्यार करना है जिससे गरीब से पैदा हुआ है गरीब का। हम एग्जांपल आप लोगों को बताएगा हमारा बेल में क्या होता है, हमारा ट्राइब में क्या होता है, जो गरीब आदमी से ऑफिसर बन जाता है, गरीब आदमी से लीडर करके बड़ा बन जाता है, गरीब आदमी से MLA मिनिस्टर बन जाता है, वो इतना प्राउड होता है कि जो गरीब आदमी को पीछे मुड़ को देखा ही नहीं, वो अपना जो पीछे है उसको कभी देखा ही नहीं। आप सोच के देखिए हम ऐसा समाज में बैठ रहे हैं। आज आप हमको शायद आप लोग हमको कोई कोई करप करप लिखता है, कोई कोई करप करप बोलता है शायद अपना ऑफिसर अपना पोस्ट को बचाने के लिए, अपना लीडरशिप को बचाने के लिए। देखो आफ्टर 10 या 20 ईयर्स का भैया तो आप लोग 5 ईयर्स का बाद भी आप लोग समझ जाएंगे कि सोल लो तुम बोलने वाला सही था। आप लोग उस समय में बहुत रियलाइज हो गए, लेकिन उस समय में दुनिया इतना दूर चला गया होगा आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। अभी समय में 5-6 हज़ार मिलता है और घर में जाके थोड़ा मोड़ा अच्छा से बात करते हैं बोल के उसका साइड में सीधा 1,000 में आप लोग करा के उसका साइड में आप लोग हमको ट्रोल करते हैं कॉमेंट्स करते हैं। और उस समय में जब हम भी कुछ भी नहीं बोलेगा कुछ भी नहीं करेगा जब ऑफिसर बन के बोलो चुपचाप बैठेगा उस समय में ना आपको भी प्यार करेगा ना उसको भी प्यार। उस समय में आप रिलैक्स होगा सोल दो तुम बोलने वाला सही था, साला हम इसको इतना मदद किया है ये हमको देखा ही नहीं, साला हम उसके लिए इतना किया है बहुत देखा ही नहीं, ये बात बोलेगा। आप लोग क्लियरली बता रहे अभी समय में आप हमको ट्रोल करते फेक अकाउंट बनाते जो भी करते, लेकिन एक दिन हम आपको लिख के रख देगा आपका दिल बहुत दर्द होगा उस समय में हम नहीं बोलने से आज ऐसा नहीं होना था। हम कभी नहीं सोचते कि जो गरीब आदमी है वो गरीब होते रहो और अमीर आदमी ये मेरा सोच नहीं है, आप लोग हम बताएगा। और हम हमेशा यही सोचते हैं कि जो आदमी गरीब होता है उसका भी एक नसीब है और जो आदमी अमीर होता है उसका भी नसीब है। और बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं जो ऑफिसर लोग होते हैं जो जूनियर ऑफिसर लोग होता है, हम उसको पता है कोई लोग बहुत सारे जूनियर ऑफिसर हम लोग इस कमिंग में भी है, लेकिन जूनियर ऑफिसर है गरीब ऑफिसर है बोल के वो आज तक वहाँ में कभी भी ऐसा काम नहीं किया जो डेवलपमेंट हुआ है वो समाज के लिए सोचता है वो गरीब के लिए सोचता है, कभी भी नहीं हुआ है। अभी वो लोग तकलीफ हो रहा है बोल के सब समाज को बुलाते हैं मेरा सोसाइटी लो कहाँ है मेरा भाई भैया लो कहाँ है प्लीज़ हमको हेल्प करो, ऐसा बोलने के लिए शर्म होना चाहिए। हम तो क्लियर बोलते हैं शर्म होना चाहिए। ये था आप लोग हम जानकारी दे, अगर हम गलत बोलने से आप लोग फ्यूचर तक देखो आने वाला 5-6 साल या 10 साल का बाद आप लोग मेरा ये बात को आप लोग दिल से सोच के देखो सोलो एकदम सही बोला है ना गलत बोला है। जिस दिन अमीर बच्चा बहुत आगे निकल जाएगा, जिस दिन अमीर बच्चा जो आपका बच्चा जो टेला पकड़ेगा, जिस दिन आपका बच्चा जो हम लोग को यहाँ में पॉपुलेशन हो जाएगा, हम लोग को भी नॉन ट्राइबल जैसे हो जाएगा, कोई किसी को देखने वाला सिस्टम नहीं होगा, कोई किसी को पूछने वाला सिस्टम नहीं होगा, क्योंकि अभी समय हम लोग यहाँ पॉपुलेशन कम है इसलिए कोई फैमिली तकलीफ है तो उसको आगे उठा के ले जाता है। जिस दिन यहाँ में पॉपुलेशन 1-2 करोड़ हो जाएगा उस दिन तो आप सोच के देखिए आपका बच्चा इतना तकलीफ होगा। उस समय में ये अगर मेरा वीडियो उस तक था बोलने से आप इस बच्चा को ये जो जवान लड़का अभी यहाँ में जो 5-10 साल का है उसको बता देना इसको प्ले करना, उस समय में ये सोल दो दिन का बाद जो पत्थर का लकीर बनेगा। हम क्लियर बोल रहे हैं हम लोग अभी नहीं सुधर रहा है, हम लोग अगर अभी नहीं सुधर सकते हैं तो आने वाला कल भी सुधरने नहीं सकेगा। हम 1-2 रुपया में अभी मत बिको, हम आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करते हैं 5-6 हज़ार में 10-20 हज़ार में बिक के सोशल मीडिया में ट्रोल करके प्लीज आप सबको हम रिक्वेस्ट करता है पत्थर मारेगा ये करेगा मारपीट करेगा ऐसा मत बोलिए। आप उसके लिए मत सोचिए, हम आप अपने आने वाला फ्यूचर के लिए अपने भाई बहन के लिए आप आने वाला के लिए सोचिए, अगर ऐसा सोचेगा तो होगा। हो सकता है कि मेरा जैसे पढ़ा लिखा नहीं वाला आदमी फ्यूचर के लिए नहीं सोचते, लेकिन हम खुद पढ़ा लिखा नहीं हमको पता है आने वाला फ्यूचर के लिए हम बहुत सोचना पड़ेगा। हमको हर कोई यही बोलता है कि तुम कुछ नहीं है, तुम थोड़ी नौकरी करेगा, तुम थोड़ी इंटरव्यू देगा, तुम सिर्फ अपना से इंजॉय करके घूमो, तुम जो सिर्फ थोड़ा अपना जो काम काज करते हैं करो ना चुपचाप, तुम क्यों बात करते हैं। नहीं, हम होने से हम भी सच होते हैं हम ऐसे चुपचाप बैठना चाहिए, लेकिन आप एक बार सोच के देखिए क्या पता कल को मेरा आने वाला मेरा बेटा का बेटा मेरा बेटी का बच्चा मेरा बच्चा का बच्चा भी तो ऑफिसर बन सकता है, मेरा बच्चा का बच्चा भी तो आगे बढ़ सकता है। हम उसके लिए करप करना नहीं चाहते हैं। अगर आप लोग सोचते हैं कि
आप लोग चाहते हैं कि सोल्ड एकदम गलत बोल रहा है, बोलने से आप लोग हमको क्रैप से ट्रोल करो, हमको मीम्स बनाओ, ट्रोल करो, लेकिन एक बार आप लोग सोच के देखो, जो अभी ऑफिसर का परिवार होता है, ऑफिसर का भाई बहन होता है, और जीनियन होता है, जो जीनियन होता है, जो टैलेंट होता है, मैं क्लियरली बोल रहा हूं, अगर एग्जाम देने से भी वो लोग पास होगा, कोई उसको चिंता के लिए नहीं, कुछ उसको चिंता नहीं, बॉडी से पास होगा, कन्फर्म होगा। लेकिन जो पढ़ाई नहीं करके पैसा वाला है, जो क्लास वन से लेकर 12 तक पैसा फेंक फेंक के प्राइवेट स्कूल में पढ़ के वो है, उसके बाद फिर प्राइवेट स्कूल में ज्वाइन करके फिर उसके बाद नौकरी में भी किन्ने वाला लोग के लिए तकलीफ हो सकती है, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं, बेसिक कुछ पढ़ाई नहीं, इसलिए वो आदमी लोग के लिए तकलीफ हो सकता है। लेकिन सच्ची में जो गरीब से ईमानदार से मेहनत करने वाला के लिए एग्जाम देने से भी कोई तकलीफ नहीं है। ये आप सबसे हम रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग आने वाला फ्यूचर के लिए सोचिए, ये मेरा पहला बात। और दूसरा बात है सरकार, और सरकार हमको बदू बनाया है, हम लोग को बदू बनाया है, नहीं बनाया हम अभी तक नहीं बोल सकते हैं। हम आने वाला मार्च 22 तक उसको समय दिया है, और 24 के बाद हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, उसके बाद देखता है कि सरकार हमको कितना तक हम लोग का बात काम को कर दे रहा और कितना तक हम लोग को सही बोल रहा। और इसलिए हम थोड़ा नाराज़ है, क्योंकि सरकार में जो मंत्री बैठता है, जो बचपना बच्चा जैसे स्टेटमेंट दे के घूमते हैं, उसके लिए हमको थोड़ा दुख फीलिंग होता है कि ऐसा स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए, कि पब्लिक को दो बात नहीं करना चाहिए, वो लोग बताना चाहिए कि जूनियन है तो वो मिलेगा। और रहा एक मिनिस्टर तो चोर का सर्टिफिकेट दे रहा था, हम मेरा पेज पर ही पोस्ट किया है, और हमारा बकरी बकरा वो मिनिस्टर वाला जो चोर को ही सर्टिफिकेट दे रहा था, ऐसा लगता है कि हमारा मिनिस्टर एमएलए लोग भी यहाँ पर जुड़ा हुआ है, मिला हुआ है, इसलिए हमको बोलते हैं हम आने वाला फ्यूचर के लिए दोगे। अगर अब लोग हमको ट्रोल कर रहा है, ये बोल रहा है, हमको छोड़ दो, बोलते हम कोई प्रॉब्लम नहीं है, दस हम निकल जाए, कुछ भी नहीं, क्योंकि हम ना हम पहले से बोला है, ना हम किसी से एक रुपया मिल खाएगा, ना किसी से हम एक रुपया खाएगा, ना किसी को हम एक रुपया देगा, ये मेरा सोच है, हम सच बात बता रहे हैं, और ना हम किसी को एक रुपया खिलाएगा सोचते हैं। हाँ, जो गरीब आदमी होता है उसको हम सकता है तो मदद करता है, नहीं सकता तो मदद नहीं करता, वो मेरा सोच है। और रहा आपको हम क्लियर बात बता रहे, और मेरा लाइफ के बारे में हर कोई सवाल करता है, क्या क्या करता है, वो करता है, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, ना मौत आए या कुछ आए, हमको कोई चिंता नहीं है। हाँ, अगर हम मेरा नसीब किसी के हाथ में मरना ही अगर लिखा है, तो हम कहीं चीती का अंदर छुपने से भी मरना ही, आकाश में जाने से भी मरना ही, हम नहीं डरता है, सीधा बता रहा है, और हम किसी को डरने का सोचता भी नहीं, और हम किसी को डरो भी नहीं बोलते हैं। अगर हम जीना है तो दिल खोल के जीना है, अगर यहाँ पर इस धरती में जब तक रहेगा, हम सोचते हैं कि आप लोग का सर रहेगा, लेकिन आप लोग सोचते हैं कि अगर सोल दो तुम गलत बोलते हैं तो आप लोग बोल सकते हैं कि सोल दो तुम गलत हैं, लेकिन आप जो जो अभी किसी किसी का पैसा लेके 5-6-10 हज़ार रुपया लेके हमको ट्रोलिंग करते हैं, बोलते हैं, आप लोग एक बार सोच लो, हम आपके लिए भी बोल रहे हैं, मेरे लिए भी बोल रहे हैं, हम आने वाला फ्यूचर के लिए बोल रहे हैं, और आने वाला सबके लिए बोल रहे हैं, अरुणाचल के लिए बोल रहे हैं। सिर्फ एक दो आदमी हो सकता है यहाँ पर ईमानदार हो सकता है। अब एक बार सोचिए कि बोलते हैं कि हम लोग 977 आदमी ईमानदार था, तो हम लोग सब लोग ईमानदार हैं, तो आधा छोड़ लो कहाँ गया, ये भी सोचने का बात है। और जो आदमी सबसे आगे आगे ईमानदार है, अपना आपको बोलने वाला आदमी, जो हम आप उसको हम अपील करता है, बाकी को छोड़िए, अपना बीबी या अपना बेटी को नर्कोटेक्स के लिए भेजिए सारा अरुणाचल का समय। अगर बोलिए कि नर्कोटेक्स में फेल होता है बोलने से, आप एफिडेविट बना कर रखें, नर्कोटेक्स में फेल होता है बोलने से मेरा बेटी या मेरा बीवी जेल भी बैठेगा, हम भी जेल बैठेगा, उसके बाद हम नौकरी भी रिजिग्नेशन देगा, बोल के लिख के रख दीजिए ना। ऐसा तो कुछ तो है नहीं, कुछ तो बोल रहा नहीं है, बस बोलते हैं कि हम सही आदमी है, कैसे कर जांच करेगा। अगर सही में ऐसा आप लोग करते हैं तो वो अलग बात है, लेकिन आज हमारे यहाँ पर सरकार जो दो बार करा रहा है, कुछ सरकार का मंत्री लोग है जो दो बार अरुणाचल करा रहा है, ये बहुत गलत है आने वाला समय के लिए और आने वाला के लिए भी। हम आप सबको उम्मीद करते हैं कि आखिरी सांस आखिरी दम तक लड़ने के लिए ट्राई करेगा, क्योंकि सब लोग बोलते हैं कि अरुणाचल में जितना भी एसोसिएशन यूनियन है, सब लोग बोलते हैं कि बिक्री करने वाला, हम अभी तक पता नहीं कोई बिक्री किया नहीं, हमको पता नहीं, लेकिन हम तो लगता है कि सब ईमानदार हैं और सब अच्छा है। तो ये था मेरा बात अभी, और कमेंट्स पढ़ता है, जो करप्ट कमेंट्स करता है थोड़ा करके देखिए, अभी हम देख रहे हैं, अभी हम भी वो कमेंट्स को पढ़ के आप लोग हम रिप्लाई देगा, और जो अच्छा कमेंट करता है उसको भी पढ़ के रिप्लाई देगा। चलिए थोड़ा आप लोग भी तेज कीजिए, और ये था मेरा मन की बात, और आप लोग का कमेंट्स को देखते हैं कि आप कितना अच्छा कमेंट करते हैं और कितना सही
सॉल्व दो, अब सही है, शायद हमको भी लगता है कि हम सही बोल रहे हैं, वी आर सपोर्ट यू। लेकिन आज सैटरडे को क्यों आप लोग सेक्रेटरी ऑफिस में गए? देखिए सैटरडे को इसलिए सेक्रेटरी ऑफिस में क्योंकि 18 है, आज 18 था, और 18 में हम लोग को सरकार का लाभ एम अरुणाचल जो बोला है कि लेकिन आज सैटरडे को आप लोग सेक्रेटरी में क्यों गए? देखिए हम आपको बता रहे कि आज हम लोग को डेट देगा था, हम लोग संडे होने से भी जाना था, हम पढ़ा लिखा कम हो सकता है लेकिन हम इतना बेवकूफ़ नहीं है कि सैटरडे इसलिए हम गया है कि वो उसको ये क्या बोलते हैं, हम लोग को जितना डेट दिया है उससे हम शुरू करेगा बोल के हम गए। और बोले हम गरीब आदमी मेहनत करके स्कॉर्पियो में पकड़ नहीं सकता है क्या, तुमको फ्री में स्कॉर्पियो चाहिए? देखिए स्कॉर्पियो मेरा तो फ्री नहीं है, ऐसा स्कॉर्पियो जो मेरा जज ही दिया है, मेरा आप मेरा स्कॉर्पियो नंबर को लिख के आप नेट में भी चार्ज कर दीजिए, मेरा अभी भी मेरा जज का नाम है और स्कॉर्पियो मेरा नहीं है, स्कॉर्पियो हमको मेरे जजी ने फ्री में दिया है। तो अगर फ्री का चीज़ को नहीं मिलेगा तो फिर ये भी गलत बात है, तो लेना ही पड़ेगा। अब मेरा स्कॉर्पियो का नंबर लेके आप नेट में डाल सकते हैं तो मेरे जजी का ही नाम निकलेगा, तो मेरे जजी हमको दिया स्कॉर्पियो, ठीक है, तो जजी को भी थैंक यू वो दिया है। और क्या कौन कोई बोल रहे हैं, पीपल सपोर्ट यू, तुम इतना गरीब है तो स्कॉर्पियो कहाँ से आया है? अरे हम इतना गरीब है तो स्कॉर्पियो कहाँ से आया है? हम इसलिए स्कॉर्पियो है कि मेरा जीजाजी जो स्कॉर्पियो हमको किन दिया है तो हम ले गए, अगर कोई फ्री में दे रहे तो कैसे नहीं लेगा आप बोलो। तो आप मेरा स्कॉर्पियो नंबर को ले कर हम आपको हम दे देगा, आप मेरा स्कॉर्पियो नंबर ले कर लिख लीजिए, आप मेरे जजी का नाम ही निकलेगा, मेरा नाम नहीं निकलेगा। और तब आप मेरे जजी के बारे में पूछिए वो कौन है कैसे है पूछिए बस। अब स्कॉर्पियो का बारे और अभी कौन है और कौन है, हम साथ है, ठीक, थैंक यू, आप साथ है, हम हमेशा याद रखते हैं कि आप साथ है, ऐसे अरुणाचल भेजूँ, हाँ थैंक यू। नूल एंड वर्ड फाइनल सोल्यूशन है, हाँ हम भी लगता है कि नूल एंड वर्ड फाइनल सोल्यूशन है। टी टी आर के AAMS ये क्या क्या, हाँ हमको भी लगता है फ्यूचर जनरेशन के लिए ये नूल एंड वर्ड सोल्यूशन है, उसका अलावा कोई चारा नहीं है, हमको भी ऐसा ही लगता है और हम भी ट्राई करते हैं ये होना है। ऑलवेज सेंड यू, मेरा घर के लिए सर मेरे ये सब छोड़ दीजिए तुम्हें, इतना बड़ा इशू है, CM को पहले क्या ऑफिशियली अपॉइंटमेंट लेना था, आप लोग पब्लिक को उल्लू तो नहीं बनाना है? अरे यार आजकल कोई उल्लू बनाने का जगह ही नहीं है, कोई उल्लू नहीं है, हर कोई टैलेंट है, पता है 5-6 साल का बच्चा जो आजकल हम लोग अच्छा मोबाइल चलाते हैं, कोई उल्लू नहीं, सब सही को जानते हैं और ऐसा कोई उल्लू नहीं है। CM को अपॉइंटमेंट हम लोग क्यों लेगा, किस लिए, क्या कारण था हम अपॉइंटमेंट लें? ऑलरेडी हम लोग को कागज़ लिख दिया था वो करना है, नहीं मामा तग्यों तवे, नहीं मामा सो चोरना और बढ़ते जाना है हम लोग साल वाला, थैंक यू बांझिया, हम दिल से सपोर्ट करते हैं कि दिल है भैया, प्लीज़ फेक अकाउंट लोग को बोल मत बोलो, कुछ नहीं फेक अकाउंट तो बोलता ही, हमको कोई प्रॉब्लम सर, आप हेल्प कैसा है थोड़ा वादी, अरे अरे ये तो हेल्थ अभी थोड़ा टिकी है, बाकी तो क्या बोलेगा हम, उसका बाद भाई दो फ्रेंड गया, पता था फिर भी वो लोग जानबूझ के गए क्योंकि आज पूरा एक मन हो गया, हाँ यही था बात है, पता था हम लोग को सैटरडे ऑफिस बना था लेकिन हम लोग जानबूझ के हम लोग गया है ताकि एक मन हो गया है, तो हम लोग एक मन को सलूट यू सर, थैंक यू, आपको भी सलूट है, ये क्या गम्बूत तंगुम, आपको भी दिल से सलूट है, प्यार है आपके लिए, इतना ही हो जाएगा और कमेंट समेंट ज़्यादा नहीं करेगा क्योंकि ज़्यादा लेट हो गया है, तो आप लोग को सुना ही होगा, तो 24 के बाद मिलते हैं, आप लोग हमारे साथ रहना, आप मेरे भरोसा हैं, हम आपके भरोसा में हैं, हम उम्मीद करते हैं कि हम लोग आखिरी सांस तक और आखिरी दम तक लड़ेगा और जो करप्शन है इससे हटाने के लिए हम लोग लड़ेगा, ना हम कोई मजाक नहीं कर रहे हैं, हम दिल से बोल रहे हैं। मैंने इस कमिंग के लिए सेपा के लिए बहुत किया है, बहुत सारे लोग लिख रहा है कि आप सेपा आना है क्यों, बैंक थैंक प्रॉब्लम ये प्रॉब्लम, मैंने सेपा के लिए बहुत काम किया है और सेपा में करने के लिए बहुत सारा लड़का है वो लोग करेगा, अभी हम अरुणाचल के लिए करना चाहता है, स्टेट के लिए करना चाहता है और इस बीच में हमको मेरे ख्याल से कोई रुकाने नहीं सकेगा और हमको कोई घूस देने भी नहीं सकेगा और कोई हमको लालची दिलाने भी नहीं सकेगा, हम अपना स्टेट के लिए जिएगा मरेगा लेकिन काम करके जाएगा, आप सबको मेरा वादा है और मेरा फैमिली को भी। लास्टली हम बोल रहे हैं मेरा जितना भी फैन है वो है प्लीज़ थोड़ा कॉल करना
और व्हाट्सएप में टेक्स्ट करना, मैसेंजर में टेक्स्ट करना थोड़ा बंद कीजिए। जितना भी मेरा फ्रेंड है, जितना भी मेरा दोस्त है, मेरा फैमिली है, व्हाट्सएप में कॉल करना और व्हाट्सएप में जहाँ था मैसेज करना, और व्हाट्सएप में मैसेंजर तो हम यूज़ नहीं करते हैं लेकिन व्हाट्सएप में जहाँ था करना आप लोग छोड़ दीजिए। अब सबसे मेरा रिक्वेस्ट करता है कि शायद हमको भी डिस्टर्ब होता है या कुछ होता है, हम नहीं बोलेंगे, लेकिन आप लोग समझ जाओ कि प्रॉब्लम हो रहा है, आप लोग को समझ जाना चाहिए कि प्रॉब्लम हो रहा है। तो व्हाट्सएप समय और कॉल करना आप लोग थोड़ा होशियार से कॉल कर लेना, क्या पता आपको सरकार आपका कॉल को रिकॉर्ड कर रहा होगा, व्हाट्सएप में आपका कॉल को सरकार रिकॉर्ड कर रहा होगा, इसलिए ज़्यादा नहीं करके आप लोग शांति से बैठिए। और मैं अरुणाचल के लिए कुछ करने आया हूँ, शायद कोई मेरे यहाँ में जो बड़ा बड़ा बात करते हैं ऐसा हम कोई रुकाने से भी शायद रोकने वाला नहीं है, और जो हम बिक्री करेगा उस भी हम जो हम खरीद देगा उस भी खरीद सकने वाला मेरे ख्याल से नहीं है। तो इसलिए सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, आप लोग अच्छा से सोइए, 24 तक आप लोग रुकिए, तारकर अच्छा से बात करते तो ठीक है, अच्छा से बात नहीं करते तो हम लोग भी तेरा चलेगा। बस थैंक यू।